मैं सावित्री चौधरी, मेरी इस कहानी का नाम शीर्षक है इंसानियत को नमन। आशा बेटी दुर्गा को कह रही थी, अभी तो परीक्षा दूर है, पढ़ना छोड़कर तैयार हो जा, जल्दी बाजार जाना चाहिए, नाश्ते का सामान और सब्जी, दूध, दही, चाय, चीनी, आटा और घी सभी सामान लाना पड़ेगा। दुर्गा को देखने के लिए वे लोग शाम को आ जाएंगे। आशा बड़े उत्साह से सफाई कर रही थी छोटे से घर की। 5-7 मेहमान तो आएंगे ही, उनके लिए 3-4 सब्जी, चटनी, रायता, हलवा और पूरी आदि वह अकेली नहीं तैयार कर सकती। दुर्गा को भी मम्मी के साथ रसोई में सहायता करनी है। वह नहा धोकर तैयार हो गई, चाय के साथ 2 टोस्ट खा लिए, 1-1.5 बजे तक लौटने की कहकर चल दी। एक प्राइवेट फैक्ट्री में दुर्गा के पापा नौकरी करते थे। आंतों का कैंसर होने से वे चल बसे। तब दुर्गा सिर्फ 4 साल की थी। कहते हैं ना कि रोगी खाए धन, भोगी खाए अन्न। पति का महंगा इलाज कराते कराते आशा तो पैसे पैसे की मोहताज हो गई थी। जेवर ही नहीं, घर का सारा कीमती सामान भी बेचना पड़ा था। बस ये छोटा सा घर तो नहीं बेचा, सोचा हर महीने किराए के कमरे का किराया कहाँ से दूंगी, कमाने वाला तो रहा नहीं। यदि सिर पर अपनी छत रही तो माँ बेटी भूखी प्यासी भी सिर छिपाए अपने घर में पड़ी तो रहेंगी। तंगी का कौन संगी, यह बात एकदम सही है। तभी तो उसके पति के देहांत के बाद घर और ससुराल वालों ने झूठी तसल्ली भी नहीं दी थी तनिक भी। किसी ने भी प्रेम भाव अपन तो नहीं दर्शाया था। कभी कोई पास दूर का रिश्तेदार ऊपरी मन से भी मिलने आता था तो वह अपना ही झेंकना, अपनी ही समस्याओं का राग अलापने लगता। आशा को तो कुछ कहने का, कोई दुख तकलीफ बताने का मौका ही नहीं देता। सगे भाई बंधुओं की बेरुखी देखकर आशा का मन भराता, आंखों से आंसू बरसने लगते। मन मजबूत कर उसने कई बार यह बात कहने का प्रयास किया था कि अजी गुड़ ने दो तो न सही, गुड़ जैसी बात करने में आपके कौन से रुपए लगते हैं, कौन सी हानि होती है। किंतु भरी युवावस्था में पति मझधार में छोड़ गए तो सदमे और गम से उसका हृदय इतना कमजोर हो गया था कि वह कभी भी अपनी तंग हाली, अपनी समस्याएं नहीं बता सकी। बस यह सोचकर मन को समझा लिया था कि अंधे आगे रोए, अपने नैन खोए। इस तरह सोच विचार कर वह तो बेटी की पढ़ाई और घर खर्चा चलाने के लिए लोगों के कपड़े सिलने लगी। रात को आधी रात तक मॉल के स्वेटर बुनती रहती। पड़ोसियों से बहुत ही मेल मिलाप रखती थी, क्योंकि इसी कॉलोनी में रहना, जी हाँ जी हाँ, कहने में ही भलाई है उसकी और बेटी की भी। सुख शांति से रहने के लिए प्रेम भाव और हिल मिलकर रहना जरूरी है। लोगों के कपड़ों की सिलाई और मॉल के स्वेटर बुनकर वह बहुत ही कंजूसी करके घर खर्चा चला रही है, बेटी को कॉलेज में पढ़ा रही है। अब उसकी एक ही तमन्ना है कि बेटी पढ़ाई पूरी कर आत्मनिर्भर बने और अपनी योग्यता का परचम लहराए। दुर्गा पढ़ाई में तेज है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी रही है। विनम्रता से बोलना और सादगी से रहने के कारण सभी उसकी सराहना करते हैं। उसके दबंग स्वभाव के कारण किसी की भी हिम्मत नहीं होती उससे हंसी मजाक कर सके या घूर कर देख सके। वह सभी से नपी तुली बात करती और हर तरह से चाक चौबंद रहती है। कॉलेज की छुट्टी होने पर कोई आवारा लड़का किसी लड़की को भी छेड़ने का प्रयास करता या गलत सलत बोल देता तो दुर्गा मारे गुस्से के उस लोफर लड़के की ऐसी धुनाई करती कि उसे पांव में पड़कर माफी मांगनी पड़ती। उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियां तो उसे असल दुर्गा देवी कहकर ही बुलाती थी। उसकी दबंगता, निडरता देखा देखी कई लड़कियां भी दिलेर हो गई थी। वे भी मजनू टाइप लड़कों की पिटाई करते डरती नहीं थी।
बाजार से घर दूर था, उसने रिक्शा कर लिया और मोड़ पर उतरकर वह बाजार में जा रही थी। तभी उसने देखा कि उसके नजदीक से स्कूटी पर जा रही एक युवती टूटी हुई सड़क की रोड़ी पर स्कूटी का संतुलन बिगड़ने से औंधे मुंह जा पड़ी। हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, जिससे उसके सिर में चोट लगते ही बेहोश हो गई। वह तो पड़ते ही दुर्गा ने भागकर उसे सीधा किया। माथा फूटने से खून बहने लगा, हाथ मुंह पैर कोहनी सब छिल गए। सड़क सड़क पर पड़ी रोड़ी की रगड़ से बाजार में आ जा रहे लोग उस घायल युवती के चारों ओर खड़े हो गए। तो उसने गुस्से से टूका, खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कौन सा नाच हो रहा है? यदि तनिक सी भी इंसानियत है आप में तो जल्दी से एक टैक्सी रोकिए। इस घायल और बेहोश हो रही बेचारी को जल्दी से अस्पताल ले जाने में मदद करो। मेरी तुरंत फुरत इलाज होने से यह जरूर बच जाएगी। अजी, पुलिस से क्यों डरते हो? उसने तमक कर पूछा। यदि आपकी अपनी कोई ऐसी घायल अवस्था में इस तरह बेहोश होकर पड़ी होती तो क्या आप लोग ऐसे ही मूक दर्शक बन खड़े रहते? दोपहर के 3 बजने वाले थे, दुर्गा को भी देर हो रही थी। मम्मी राह देख रही होगी, फिर भी उसका मन वहां से जाने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि आज उसने इंसानियत का फर्ज नहीं निभाया तो शायद उसे आत्मा क्षमा नहीं करेगी कभी भी। उसकी फटकार सुनकर एक टैक्सी वाले ने टैक्सी रोकी तो उसे देखकर दूसरे लोग भी सहारा देने के लिए आगे आए। उनकी मदद से उस घायल और बेहोश हो रही युवती को वह अस्पताल ले जा सकी। वहां पहुंची तो डॉक्टर ने पुलिस के आने पर ही इलाज शुरू करने की बात कही। तभी एक नर्स बोली, डॉक्टर साहब, यह तो हमारे पड़ोसी बैंक मैनेजर वर्मा साहब की पत्नी है। फिर क्या था, फौरन उस युवती के इलाज में डॉक्टर नर्स व्यस्त हो गए। थोड़ी देर में अपने परिवार और छोटी सी बच्ची समेत मैनेजर साहब भी आ पहुंचे। चिंता के मारे सभी घबरा रहे थे। पत्नी के चोट लगे हाथ पैर और मुंह को सहलाते हुए वर्मा साहब पूछ रहे थे, कीर्ति, आंखें खोलो, बताओ तुम कैसे गिर पड़ी? क्या किसी ने टक्कर मारी थी? बच्ची मम्मी के जगह जगह बंधी पट्टी और खून लगा देखकर रो रही थी, भयभीत हो रही थी। तभी डॉक्टर साहब ग्राउंड पर आ गए। उन्होंने सभी को तसल्ली दी, मैडम ठीक है, सिर में गहरी चोट नहीं लगी, अभी होश में आ जाएगी। इन्हें अस्पताल ले आए जल्दी से तो जान बच गई, नहीं तो बचना बहुत मुश्किल था। अब आप चिंता न करें। तभी दवाइयों के प्रभाव से उस घायल युवती को होश आ गया, आंखें खोल दी। दुर्गा की खुशी का ठिकाना न रहा, परिवार वालों के भी चेहरे खिल गए। वर्मा साहब ने बहुत आत्मीयता से दुर्गा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहन, मेरी पत्नी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कभी कोई दुख तकलीफ हो तो जरूर बताना, यह मेरा कार्ड है। उसे अपना कार्ड थमाते हुए उन्होंने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? रात के 9 बज रहे हैं, बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा कर आऊंगा। तुम्हारी मम्मी पापा से भी क्षमा मांगनी है, क्योंकि मेरी पत्नी की जान बचाने की चिंता में तुम समय पर घर नहीं जा सकी। वर्मा साहब की पत्नी की जान बच गई, बच्ची की मम्मी सही सलामत है। इस बात की दुर्गा को बहुत प्रसन्नता थी, पर अब तो चिंता के मारे उसके मन मस्तिष्क में तूफान सनसना रहा था। मम्मी और घर बैठे मेहमान उसके बारे में जाने क्या क्या गलत सलत सोच रहे होंगे। उसने चिंतित स्वर में वर्मा साहब को घर का पता बताया और उसे देखने के लिए आए घर बैठे मेहमानों के बारे में भी बताना पड़ा। बहन, तनिक भी घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बैठो कार में, सांच को आंच नहीं, तुम्हारी चिंता अब मेरी चिंता है, मैं हूं ना तुम्हारा बड़ा भाई। इस तरह समझाते हुए वर्मा साहब दुर्गा को कार में बैठा कर रवाना हो गए। फिर एक होटल से 8-10 लोगों के लिए खाना पैक करवाया, कई तरह की नमकीन, मिठाई, फल, दूध, दही खरीदे और कार द्वारा उड़ते हुए से जा पहुंचे दुर्गा के घर। आशा,
दुर्गा की मम्मी चिंता में डूबी गेट पर खड़ी थी। बेटी को कार से उतरते देखकर उसका खून खोल उठा। मेहमान भी हैरान और क्रोध से तमतमाते हुए कमरे से बाहर आ गए। वर्मा साहब तो कार से खाने का सामान उतारने लगे और दुर्गा बिल्ली द्वारा फफेड़ी गई कमेड़ी की तरह कांपती सी घर के गेट में जाने लगी। तो उसके मुसे कुसे कपड़े देखकर माँ का सर्वांग धधक उठा क्रोध की ज्वाला से। बेशरम, तेरे कपड़ों पर ये खून के छींटे दिख रहे हैं, अब रात होने पर भी क्यों आई? कहीं मरी क्यों नहीं कुएं तालाब में डूबकर? तुम तो 1-1.5 बजे लौटने का कहकर गई थी ना, बता तेरी ये हालत किसने कही? नहीं तो मैं अभी तुम्हारा गला घोंट दूंगी। यूं अंट संट बकते हुए आशा ने बेटी को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और उसका गला ही पकड़ लिया। अरे अरे बहन जी, शांत हो जाओ, क्यों बेटी की हत्या करती हो? आपने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहते हुए वर्मा जी ने जल्दी से दुर्गा का गला छुड़वाया उसकी मम्मी के हाथों से। फिर दिन में घटी घटना विस्तार से बताई तो आशा की गर्दन झुक गई। पछतावे और शर्म से अपनी घटिया सोच पर उसे मन में बड़ा दुख होने लगा। बेटी को सीने से लगा लिया और गर्व से कहा, वाह मेरी लाडली, एक पति की पत्नी और एक नन्ही सी बच्ची के माँ की जान बचाकर आज तो तुमने बड़ा पुण्य का काम किया है। आप सब मेहमान आराम से बैठकर भोजन करिए, फिर हम दुर्गा के रिश्ते की बात करेंगे। दुर्गा का विवाह अब मैं धूमधाम से करूंगा, यह मेरी छोटी बहन है। पर आशा की माँ ने बताया कि इन्होंने तो मना कर दिया, देर रात तक धक्के खाने वाली लड़की से तो हम रिश्ता नहीं करेंगे। सिर्फ इसलिए ही हम लोग बैठे थे कि देखे रात को कि साल में कब लौटती है। अच्छा, ऐसी घटिया सोच है इन लोगों की। कुंवारी बेटी अनेक वर, अब आप जा सकते हो। अरे पढ़े लिखे बेवकूफो, वर्मा साहब का भी पारा चढ़ गया। दुर्गा जैसी दयालु, दबंग और सेवादार लड़की से विवाह करना तो बड़े सौभाग्य की बात होगी वर के लिए। एक अनजान महिला की जान बचाने के लिए इसने न तो मम्मी की चिंता की, न आप सब घर आए मेहमानों की। यह कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। मैं तो इसकी इंसानियत को नमन करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। वर्मा साहब ने उन मेहमानों को खूब खरी खोटी सुनाई और बहुत धिक्कारा, जिससे उन लोगों की आंखें खुल गई। बहुत ही गर्व भरे शब्दों में दुर्गा की प्रशंसा सुनकर उनकी तो जैसे बोलती बंद हो गई थी, कुछ भी नहीं बोल सके। किंतु प्रसन्नता और गर्व के मारे उनकी आंखों में आंसू भर आए थे।